ओके सो वेलकम टू दिस न्यू वीडियो गाइस। इस वीडियो का मेन मोटिव यही होने वाला है कि मैं आपकी एसओपी में हेल्प कर सकूं। काफी सारी वीडियोस देखी होंगी आपने, थोड़ा सा डिफिकल्ट रहता है कहीं ना कहीं पे एसओपी खुद बनाना, बहुत कंफ्यूजिंग सा भी होता है कि हम उसमें क्या पॉइंट्स मेंशन करें, कैसे रेलेवेंसी शो करें, कैसे कन्विंस करें बेसिकली वीजा ऑफिसर को कि हमें स्टूडेंट वीजा दे दें, और काफी ज्यादा रिफ्यूजल्स भी एसओपी की वजह से ही आते हैं। मेन रीजन ऑफ रिफ्यूजल्स मैं बताता हूँ, कभी कभी ऐसा होता है वी आर नॉट एबल टू प्रूव कि हमारा इंटेंशन रिटर्न बैक टू अवर होम कंट्री सही है नहीं है। ये सबसे मेन रीजन होता है जब भी हम नोट्स देखते हैं रिफ्यूजल के बाद, तो मेन ये होता है कि हमारी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू अवर होम कंट्री वॉज नॉट जस्टिफाइड टू द वीजा ऑफिसर। सेकेंड रीजन होता है कि हम अपनी जो प्रीवियस स्टडीज हैं, सपोज मैंने ग्रेजुएशन करी हुई है इंश्योरेंस की, सो आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट टू माय फर्दर स्टडीज इन कनाडा। मैंने बिजनेस मैनेजमेंट लिया तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा स्विच भी आ गया, सो आई एम नॉट एबल टू रिलेट इट, या फिर वीजा ऑफिसर को मैं उसकी रेलेवेंसी शो नहीं कर पा रहा तो भी रिफ्यूजल आता है। उसके बाद कभी कभी होता है हम अपना फ्यूचर करियर जो भी है हमारा आफ्टर कम्प्लीटिंग दैट कोर्स कि हमारे फ्यूचर एंड मतलब फ्यूचर में हम क्या सोच रहे हैं करने का, हम वो चीज जस्टिफाई नहीं कर सकते। तो एसओपी को हमें बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना चाहिए, ये नहीं सोचना चाहिए कि इट्स जस्ट अ पीस ऑफ पेपर या फिर पीस ऑफ डॉक्यूमेंट जिसकी मतलब एजेंट लिख दे, कुछ भी लिख दे एजेंट, और हम बस जल्दी से जल्दी अपना वीजा फाइल करें। एसओपी को बिल्कुल भी ऐसा कंसिडर मत करना, इट इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट वाइल अप्लाइंग फॉर योर स्टडी वीजा। तो सबसे पहले स्टार्ट करता हूं कि एसओपी में हमें क्या क्या मेंशन करना चाहिए और क्या क्या मेंशन नहीं करना चाहिए। तो जो मेन चीज है जो आपको बचा सकती है रिफ्यूजल से, मैं उसकी बात करता हूं। सबसे पहले तो यार एसओपी में बिल्कुल रेलेवेंसी शो करना, जैसे मैंने भी अपना एग्जांपल लिया, मेरा मैनेजमेंट एंड मार्केटिंग ऑफ इंश्योरेंस की ग्रेजुएशन थी, उसके बाद मैंने वो ग्रेजुएशन ऑब्वियसली जो मैंने अब अप्लाई किया है कोर्स दैट इज बिजनेस मैनेजमेंट, तो स्विच हो रहा है। हमें एसओपी में बहुत स्ट्रांगली ये रिलेट करना है इस चीज को कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, मतलब मेरी इंश्योरेंस फील्ड है और मैं बिजनेस मैनेजमेंट में अप्लाई कर रहा हूं। दिस इज नॉट अ बिग डील, बट एसओपी में अगर आप जस्टिफाई कर रहे हो इस चीज को अच्छे से, तो इस पॉइंट के बेसिस पे आपकी बिल्कुल भी रिजेक्शन नहीं आएगी। पॉइंट्स कुछ बस यही याद रखना कि रेलेवेंसी आप शो कर दो, एजेंट के ऊपर बिल्कुल छोड़ दोगे अपनी एसओपी तो मैं कह रहा हूं रिफ्यूजल के चांसेस बढ़ सकते हैं। एजेंट बना भी रहे एसओपी, उसको गो थ्रू करो, मैंने पर्सनली लिखी थी अपनी एसओपी पूरी, मैं इस वीडियो में उसका स्क्रीनशॉट भी डालूंगा, वीडियो पॉज करके जरूर देखना उसको, पूरी एसओपी मेंशन करूंगा पूरी, लास्ट तक जितनी भी थी 2 पेजेस की एसओपी थी, तो आप पूरी देखना कि मैंने कैसे जस्टिफाई किया कि मेरी प्रीवियस स्टडी से जो मेरी कनाडा स्टडीज हैं वो रिलेटेबल हैं। उसके बाद हमारा जो अगला रिफ्यूजल का रीजन बनता है उसके बारे में बात करते हैं। सेकेंड रिफ्यूजल होता है हमारा हमारी इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक टू अवर होम कंट्री, इसके बेसिस पे भी काफी सारे रिजेक्शंस आते हैं। मैंने देखा है जितनी भी मैंने अभी तक एसओपीज काफी बच्चों की देखी थी, बहुत सारे रिजेक्शंस आते हैं, तो इस चीज को भी अच्छे से जस्टिफाई करना, ये भी मेरी आप एसओपी में से हेल्प ले सकते हो। कॉपी पेस्ट बिल्कुल मत करना, उसमें आपका लॉस है मेरा नहीं है, क्योंकि मेरा वीजा आ चुका है, तो जितना अच्छे से आप अपनी एसओपी को प्रेजेंट करोगे उतना अच्छा आपके लिए रहने वाला है। इस चीज में हम ऐसे रिलेट कर सकते हैं दैट आफ्टर कम्प्लीटिंग दिस कोर्स फ्रॉम कनाडा, दीज आर दी फ्यूचर एस्पेक्ट्स, मतलब दीज आर दी फ्यूचर करियर ग्रोथ ऑफ माय करियर इन माय होम कंट्री। हमें बेसिकली यही शो करना है कि कनाडा से पढ़ने के बाद हमारा जो फ्यूचर है वो इंडिया में ही है, हमें बहुत अच्छी अच्छी कंपनीज में हमें अपना एम करना है, हमें वहीं पे जॉब चाहिए, हमें इंटेंशन ऑफ रिटर्निंग बैक बहुत अच्छे से स्ट्रांगली प्रूव करनी है वीजा ऑफिसर को, क्योंकि इसमें भी बहुत सारे रिफ्यूजल्स आते हैं। अगली चीज होती है कि हम अपने गैप को जस्टिफाई कर पाए, जैसे मेरा गैप था 2018 में आई कम्प्लीटेड माई ग्रेजुएशन, उसके बाद मेरा अप्रोक्स 3 साल का गैप है, सो कहीं ना कहीं सस्पिशियस सा लगता है वीजा ऑफिसर को कि यार 3 साल के गैप के बाद वाई दिस पर्सन इज अगेन गोइंग फॉर एजुकेशन लाइक हायर एजुकेशन, तो उस चीज को भी आपको जस्टिफाई करना है, ट्राई करना वैलिड डॉक्यूमेंट्स हो और अच्छे से, अगर आप अप्लाई कर रहे हो गैप को कवर कर रहे हो तो बिल्कुल सही डॉक्यूमेंट्स के साथ कवर करो। बाकी अगर गैप से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट डाउन करना, मैं उस चीज में आपकी हेल्प कर पाऊंगा। जिनको भी कुछ प्रॉब्लम है अनजस्टिफाइड गैप है तो उनको मैं कुछ सजेस्ट कर पाऊंगा, बिल्कुल हेल्प करूंगा। मेन यही 3 रीजन होते हैं कि हमारा रिटर्न बैक की इंटेंशन सही नहीं होती, या फिर हमारा जो प्रीवियस स्टडीज है दैट इज नॉट रेलिवेंट टू अवर फ्यूचर स्टडीज, और तीसरा हम गैप को जस्टिफाई नहीं कर पाते। ये 3 मेन रीजन होते हैं जिसकी वजह से सबसे ज्यादा रिफ्यूजल आते हैं। तो सजेस्ट ये करूंगा एसओपी को खुद टाइम दो,
मेरी एसओपी से बेशक आप थोड़ी सी हेल्प ले लो, पूरी हेल्प ले लो, लेकिन एसओपी खुद लिखो, ट्राई करो, अच्छे से लिख रहे हो, बिल्कुल रिलाय मत करना एजेंट पे। एजेंट के पास आपकी जैसी 50 प्रोफाइल्स और हैं, उनकी जो अटेंशन रहेगी वो उन 50 प्रोफाइल्स में रहेगी, लेकिन जो आपकी अटेंशन रहेगी वो आपकी 100% अटेंशन आप ही की प्रोफाइल में रहेगी। तो जितनी ज्यादा अटेंशन दोगे, जितने ज्यादा अटैच्ड रहोगे ना अपनी इन सब चीजों से, इन सब प्रोसेस से, डॉक्यूमेंट से, उतना आपके लिए इजी होने वाला है। और ये टाइम भी ऐसा चल रहा है कि अगर आप रेफ्यूजल्स का ग्राफ देखोगे तो बहुत ज्यादा है, और एसओपी की वजह से ही मोस्टली आते हैं, क्योंकि एसओपी एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसमें हमें बस वीजा ऑफिसर को कन्विंस करना है कि हमारी ये इंटेंशन है, हमारा ये कोर्स है, हमारा ये फैमिली बैकग्राउंड है, तो बस एक वही डॉक्यूमेंट है। दे आर नॉट गोइंग टू पर्सनली चेक ईच एंड एवरी डॉक्यूमेंट, वो करते हैं बैकग्राउंड वेरिफिकेशन में, बट स्टार्टिंग में जब आप फाइल दे रहे हो तो वीजा ऑफिसर ऐसा नहीं है कि आपकी पूरी फाइल खोल के बैठ जाएगा, वो एक एसओपी से ही आपको जज करेगा वीजा देना नहीं देना। तो बैकग्राउंड वेरिफिकेशन बाद की बात है, पहले एसओपी ही इतनी अच्छी बनाना, इतनी अट्रैक्टिव बनाना कि बिल्कुल वीजा ऑफिसर मना ही ना कर पाए। तो वीडियो में मैं देखूंगा, या तो मैं स्क्रीनशॉट डाल दूंगा अपनी एसओपी के, या फिर मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक अटैच कर दूंगा, वर्ड डॉक्यूमेंट या फिर एनी अदर लिंक, जिससे आपके लिए इजी रहे, आप डाउनलोड कर सको उसको या फिर आप देख सको। सो ये वीडियो यहीं तक है, किसी का कोई और कंसर्न हो किसी भी स्टेज से रिलेटेड, सो प्लीज कमेंट डाउन योर कंसर्न, आई विल श्योरली रिप्लाई ईच एंड एवरी वन ऑफ यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय।